Hi guys, this is Abhishika here and once again welcome to my channel Sai Ayurved Bhavan. Sai Ayurved Bhavan में आप सबका एक बार बहुत 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 स्वागत है and today's stop is Mama Earth Onion Hair Oil. आज मैं इस वीडियो में आपको Mama Earth Onion Hair Oil के बारे में बहुत सारी डिटेल्स में जानकारियां दूंगी जिसे बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, तो मेरे साथ बने रहें. और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो दैट इज कॉल्ड मम्मा अर्थ ऑनियन हेयर ऑयल. जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये मम्मा अर्थ ऑनियन हेयर ऑयल है. और इसकी अगर हम पैकेजिंग की बात करें तो ये कार्टन पैकेजिंग में आती है. इसकी पैकेजिंग बहुत खूबसूरत है, जैसा कि मम्मा अर्थ प्रोडक्ट्स की होती है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स की होती है वैसी है. और अगर हम इसे ओपन करते हैं तो इस तरह के एक मम्मा अर्थ जो है आप देख सकते हैं, बगल में ही कंटेनर है, प्लास्टिक कंटेनर. इस प्लास्टिक कंटेनर में ये आती है और ये जो है बहुत फ्रेंडली प्लास्टिक कंटेनर है. और सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसे कहीं भी ट्रेवल करें ये बिल्कुल भी नहीं गिरेगा, क्योंकि इसके टिप में भी एक कैप लगी हुई है और इसकी कैपिंग और पैकेजिंग जो है बहुत अच्छी है. और बहुत छोटा सा ये कंटेनर है, तो आप इसे इजीली किसी भी पर्स में कैरी कर सकते हैं. तो आइए प्रोडक्ट डिटेल्स के बारे में बात करते हैं. अगर हम प्रोडक्ट डिटेल्स के बारे में बात करें तो इट कंट्रोल्स हेयर फॉल. अगर आपकी हेयर फॉलिंग बहुत ज्यादा हो रही है तो इस ऑयल को लगाने से जो है आपकी हेयर फॉलिंग जो है वो धीरे धीरे रुकना शुरू हो जाएगी. इट इज सिलिकन फ्री, तो अगर सिलिकन फ्री होने की वजह से ये कोई भी बैड इफेक्ट आपके हेयर्स पे नहीं डालती है. इट इज डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड, सूट्स फॉर ऑल हेयर टाइप्स. यानी कि आपकी हेयर वेदर इट इज फ्रीजी, वेदर इट इज नॉर्मल, ऑयली, ड्राई, कैसी भी हेयर टाइप हो, कोई भी लोग इसे लगा सकते हैं. इट इज एंटी एलर्जिक, यानी कि जिन लोगों को तरह तरह के ऑयल लगाने से एलर्जी हो जाती है, लेकिन इस ऑयल के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये एक एंटी एलर्जिक ऑयल है. और ये सबसे अच्छी बात है कि ये तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ही बनाती है मम्मा अर्थ, तो ये ऑर्गेनिक भी है. इट इज केमिकल फ्री प्रोडक्ट. हम सभी जानते हैं कि मम्मा अर्थ की जो भी प्रोडक्ट होती है उसमें केमिकल्स नहीं होते या तो बहुत कम होते हैं. तो आइए चेक करते हैं कि इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं. तो इट हैज मेनी इंग्रेडिएंट्स. सबसे पहली जो इंग्रेडिएंट इसमें है वो है ऑनियन एक्सट्रैक्ट. जैसा कि नाम से ही आप देख सकते हैं ऑनियन हेयर ऑयल है, तो इसमें जो है ऑनियन एक्सट्रैक्ट यूज किया गया है, ऑनियन सीड ऑयल यूज किया गया है, सनफ्लावर ऑयल, जोजोबा ऑयल, ऑलिव ऑयल, आंवला एक्सट्रैक्ट, भृंगराज एक्सट्रैक्ट, गुड़हल एक्सट्रैक्ट, सीसम ऑयल, एलमंड ऑयल, कैस्टर ऑयल और तो और नेचुरल विटामिन ई इसमें यूज किया गया है. और इन सारे चीजों के मिक्सचर से, इन सारे चीजों के एक्सट्रैक्ट से इसे तैयार किया गया है. तो आप देख सकते हैं कि ये कितना इफेक्टिव हो सकता है, क्योंकि ये सारी चीजें जो है हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है. और इसे जो है एंशियंट टाइम से हम यूज करते हैं अपने बालों पे. और ये सिर्फ हेयर फॉलिंग ही नहीं, आपके बाल की कोई भी प्रॉब्लम है, ये अलग अलग एक्सट्रैक्ट अलग अलग वे में आपके बालों पे वर्क करती है. तो आपके बाल अगर सिर्फ हेयर फॉलिंग नहीं, अगर आपके बाल बहुत ज्यादा जो है ड्राई हो गए हैं, बेजान हो गए, उसमें भी ये ऑयल बहुत अच्छे से वर्क करेगी. एंड इफ यू हैव स्टॉप्ड योर हेयर ग्रोथ, अगर आपकी हेयर ग्रोथ नहीं हो पा रही है तो इसे अगर आप कंटिन्यूअसली लगाते हैं तो आपकी हेयर ग्रोथ भी होना शुरू हो जाएगी. अगर आपके बाल बेजान एकदम ड्राई से दिखते हैं, स्प्लिट एंड्स हो गए हैं, दो मुहे हो गए हैं, तो इस ऑयल से उसमें भी आपको फायदा मिलेगा. ओवरऑल आपके बालों की नरिशमेंट होगी. इस एक ऑयल से जो है आप फुल बालों की नरिशमेंट कर सकते हैं अगर आप इसे कंटिन्यूअसली लगाएं और तरीके से लगाएं तो. और इसकी जो प्लास्टिक की बॉटल आती है, ये मैं बता रही हूँ, ये भी बहुत जो है अच्छी क्वालिटी की होती है, जो कि कोई भी आपको इस प्रोडक्ट को जो है इसमें जो साइड इफेक्ट्स हैं वो नहीं होते हैं. और अगर हम इसकी कंसिस्टेंसी की बात करें तो मैं इसकी कंसिस्टेंसी आपको दिखाती हूँ. ये देखिए, इसकी कैप मैं ओपन कर रही हूँ और आप देख सकते हैं इसकी टिप कितनी अच्छी से बनी हुई है. और इसकी अगर हम कंसिस्टेंसी की बात करें तो आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल कोकोनट ऑयल की तरह है, जैसे कि नारियल की तेल होती है वैसी कंसिस्टेंसी है. और कोकोनट ऑयल से भी पतली जो है, ये जो है बहुत लाइट है, तो ये इजीली आपके बालों पे और रूट्स पे जो है ये एब्जॉर्ब हो जाती है. और रूट्स पे ये डायरेक्टली जाकर के एब्जॉर्ब होके ये अपना वर्क करती है, तो इसकी इफेक्टिवनेस और बढ़ जाती है, क्योंकि ये बिल्कुल लाइट बेस्ड है, जो कि इजीली आप जब मसाज करते हैं तो इजीली ये जड़ों तक पहुंच पाती है और ये अपना फंक्शन करती है.
तो इसे जो है लगाने का तरीका भी जो है वो बहुत आसान है। इसे आप अगर गुड रिजल्ट चाहते हैं, बहुत अच्छी इससे आप रिजल्ट चाहते हैं, तो इसे आप ओवरनाइट लगा के छोड़ दें, यानी कि आप जो है रात को इसे लगाएं और फुल नाइट आप रहने दें, और नेक्स्ट मॉर्निंग में आप बेस्ट रिजल्ट के लिए जो है मम्मा अर्थ शैम्पू से धो लें। और अगर मम्मा अर्थ शैम्पू आप नहीं यूज करें तो अदर किसी भी हर्बल शैम्पू से आप धो सकते हैं, और ऐसा आपको वीकली जो है हर अल्टरनेटिव डे पे अगर आप करेंगे तो बहुत गुड रिजल्ट आएगा, नहीं तो आप वीकली 2 टाइम्स भी कर सकते हैं, उसमें भी आपको अच्छी रिजल्ट आएगी। और जो है ऐसा आप एक बात और मैं आपको पहले ही बताना चाहूंगी, क्योंकि पहले ही जो है पहले वीक में आपको लगेगा कि नहीं कोई भी ऐसा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, तो लग रहा था कि नहीं ये बिल्कुल फेक प्रोडक्ट है, इसमें रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। बट जब आप दूसरी वीक में लगाएंगे तो भी थोड़ा सा आपको ऐसा रिजल्ट नहीं मिलेगा, बट थर्ड वीक से आप जो है बहुत ड्रास्टिक चेंज महसूस करेंगे अपने हेयर फॉलिंग में और भी अपने बालों के टेक्सचर में जो है। धीरे धीरे 1 मंथ के बाद जो है आपको समझ में आएगा कि आपके बालों की पहले की क्वालिटी या तो पहले की हेयर ग्रोथ हेयर फॉल में क्या अंतर है, ये आप खुद धीरे धीरे जो है ये कर सकेंगे, जो है आप अपने में रिव्यू ले पाएंगे। और ये इसीलिए मैंने बता दिया क्योंकि बहुत लोग एक दो बार यूज करके इसे छोड़ देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि 1 महीने के बाद ही जो है ये आपको रिजल्ट देना शुरू करती है। और एक बात मैं बता दूं, ये सारे प्रोडक्ट्स के साथ आपको जो है कुछ टिप्स होते हैं अपने हेयर्स के लिए जो आप फॉलो करने चाहिए, जैसे कि एक हेल्दी है डाइट आपको फॉलो करनी चाहिए, 8 ग्लासेस ऑफ वाटर अ डे आपको लेनी चाहिए, पूरे दिन में 8 ग्लास पानी पीना चाहिए, भरपूर नींद लेनी चाहिए 8 घंटे की, ये सब चीजों को अगर आप फॉलो करते हैं तो ये और भी ज्यादा अच्छे से वर्क करेगी। और अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो इसके आज की डेट की जो प्राइस है ये 99 ml की है, और इसकी प्राइस 299 rupees है, और इसकी 150 ml की प्राइस जो है 499 है। वैसे तो इसकी प्राइस थोड़ी सी आपको ज्यादा लग सकती है, बट इसकी जो है प्रोडक्ट क्वालिटी के वाइज इसकी प्राइस जो है बहुत अच्छी है। और इसकी परचेजिंग की अगर बात करें तो आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं या किसी भी आयुर्वेदिक शॉप ब्यूटी शॉप कहीं भी आपको इजीली ये मिल जाएगी। होप मेरा आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आगे भी बहुत सारे रिव्यूज लाऊंगी, सो हमारे साथ बने रहें, एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।